खबर खनियाधाना से है, जहां मामूली बुखार का इलाज कराने आए युवक के इलाज के बाद स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। युवक के परिजनों ने बताया कि ग्राम कुदोली निवासी युवक बुंदेल लोधी पुत्र महाराज सिंह कल दिनांक 24 सितंबर को अपनी फसल बेचने खनियाधाना मंडी आया हुआ था। फसल बेचने के बाद अपनी मामूली बुखार की शिकायत लेकर उसने गुडर रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में माँ पीतांबरा क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसे इंजेक्शन और बॉटल लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। युवक के परिजन तुरंत युवक को खनियाधाना चिकित्सालय लेकर गए, जहां युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने खनियाधाना थाने का घेराव कर झोला छाप डॉक्टर पर हत्या के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की और जगह जगह फैले ऐसे सभी क्लिनिक की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल खनियाधाना पुलिस ने युवक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। खनियाधाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। सर, जो आज एक गलत इलाज से डेथ हुई है, क्या हुआ? बुंदेल सिंह लोधी हैं, कुनौली के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 38 साल थी। कल उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनके परिजन इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे। दिलीप यादव जो डॉक्टर हैं, गुड़ रोड पर रहते हैं खनियाधाना, उनको उन्होंने दिखाया तो उनने दो इंजेक्शन लगाए और बोतल चढ़ाई थी। तो परिवार का कहना है कि उनकी तत्काल तबीयत खराब हो गई, उसको वो झांसी ले गए, चरणजीवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आज सुबह उनको 4 बजे मृत्यु हो गई। उसकी जांच की जा रही है, उन पर डिग्री है कि नहीं है, इस संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। फर्क काम कर लिया गया है, पीएम करवाया जा रहा है और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी 100% होगी। ये क्या है पूरा मामला? वो मेरा भाई है। कल शाम को 6 बजे घर से ट्रैक्टर ले आया था, उसमें उर्दा बेचने के लिए आया था, तो उसने उर्दा बेच के और लड़के से कह दिया कि तुम घर चल, मैं थोड़ा इलाज करा के और आ रहा हूँ। तो इनने इलाज कराया दिलीप डॉक्टर यादव के थे और दो इंग्रेजन लगाए इनने और बोतल लगाई तो वो पूरी नहीं हो पाई, वो घबराहट हुई भयंकर। तो हम सरकारी अस्पताल में वो थोड़ा बच्चा आया अपना बड़ा, उसको फोन लगाया वो जी हर नाम की लड़की ने, हमारे गांव के छोटू ने, कि वो तुम्हारी चाचा की बहुत तबीयत खराब है। तो वो लड़का आया तो सरकारी डॉक्टर में के पास ले गया, तो मैंने कहा कि जल्दी झांसी ले जाओ, वो इसके तो बहुत रिएक्शन कर दिया, कहाँ इलाज कराया था। तो वो झांसी ले गए और झांसी चरणजीव में वो पहुँच नहीं पाया जब तक। तो मृतक पहले से बीमार था? कोई बीमार नहीं, कोई बीमार नहीं था। फिर वो दिखाने गया था ना हॉस्पिटल? हाँ, अरे तो हॉस्पिटल में कहा हो जी जी, हाँ जी डॉक्टर के, तो वो थोड़ा सा बुखार की गए उर्दा बेचने के लिए आया था। जी है कि डॉक्टर की गलती है, लापरवाही का है कि वो ऐसा अंग्रेजन लाया कि वो 2 मिनट के बाद वो बेहोश हो गया और सबने देखा। एक हमारे गांव के रामजीलाल है, चक्की लगाए बिल्कुल का लड़का आया तो उसने कम्बल लिया के उड़ाया, उसको इतना घबराहट हो रही थी। यहाँ पे थाने में आए हो क्या, क्यों आए हो? जी है कि ऐसा हमारे साथ हुआ और के साथ हो गए, ऐसे कितने मरीज हाँ जो जानते नहीं तो क्यों है कि नहीं, हमारा भाई चला गया है। पुलिस से क्या उम्मीद है आपको, क्या कैसी कार्रवाई चाहिए? निहाय होनी चाहिए। भैया ये जो डेथ हुई है, आप इनके साथ में देख क्या प्रॉब्लम थी इनको? इनको एक दिन पहले ऐसा थोड़ा फीवर था तो इनने दिलीप सिंह यादव जी को डॉक्टर साहब को दिखाया, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला और दूसरे दिन यानी कि कल शाम को जब वो इलाज के लिए आए तो मतलब इतना कंडीशन ख़राब नहीं था। वो ट्रैक्टर पे आए अपने उड़द बेच के वो आए, वो इलाज कराया वहाँ पे, तो उनने इंजेक्शन दिया तो उनको घबराहट बहुत ज़्यादा और पसीना भयंकर, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोतल लगाई, एक बोतल लगाई तो उसमें से फिर वो कुछ आराम नहीं मिला तो मेरे को फ़ोन लगाया छोटू ने, वो वहाँ पे था, तो कि वो तुम्हारे चाचा की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो फिर साथ में मेरे घर गया और फिर वहाँ से हम मोटरसाइकिल से आए, कार लेके आया छोटा भाई अजय, इसके बाद हम ले गए परिहार साहब के पास। परिहार साहब ने बोला कि वो कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इनको बहुत दिक्कत कुछ नर्वस सिस्टम से संबंधित ऐसी कोई समस्या है, वो उनने वहाँ से रेफर बना दिया या तो कहीं अच्छी अस्पताल में दिखाओ, तो हम सीप्रिया झांसी, तो हमने यहाँ पे चिरंजीवी में भी दिखाया कि कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, पर वो उन्होंने कहा कि बाहर ले जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। चिरंजीवी ले गए सुबह। उनको जब वो दिखाने गए थे कोई गंभीर प्रॉब्लम थी क्या?
नहीं नहीं गंभीर नहीं, पहले तो वो नॉर्मल बुखार आजकल चल रहे हैं वही था। मृत्यु के बाद डॉक्टरों ने, झांसी के डॉक्टरों ने क्या बताया किस कारण मृत्यु हुई? वो तो जो बोल रहे कि मृत्यु हो मतलब इलाज के दौरान हो गई, मतलब कोई गंभीर समस्या नहीं बताई, फिर ब्लीडिंग भाई उसके बाद वो समस्या बता रही है। ब्लीडिंग कहाँ पे चालू हुई? ब्लीडिंग रास्ता में मतलब जाते जाते वो पेचिस दस्त स्टार्ट हो गए भयंकर लूज मोशन, इसके बाद डेथ वहीं पे हुई चिरंजीवी।